तो क्या हाल है आप सभी का भाई लोगों। तो जैसा कि आपकी डिमांड आई थी, आप मेरा रूम देखना चाहते हैं और आप मेरा सेटअप देखना चाहते हैं, तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है। लेकिन सबसे पहले आप मुझे तो ए और दैट गाइस, मैं तो भूल गया था कि मैंने कपड़े नहीं पहने, वरना एज रिस्ट्रिक्ट लग जाता। कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप शुरू होने से पहले ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक स्पेशल कुतिया। ए एंजल इधर दोगी? नहीं दोगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पेशाब करा लाऊंगा। इस जोक्स अपार्ट, अब मैं आपको दिखाऊंगा पूरा एक्चुअल पूरा रूम। तो ये ओवरव्यू मैं दे दूँ एक तरह से आपको, ये ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको रूम का मैं फ़िलहाल तो, और फिर मैं एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा आपको। राइट, ये है एंट्री। बहुत गर्मी है रे बाहर, बहुत गर्मी है तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये मेरा बीन बैग। राइट, ये एक और बेड है यहाँ पे, और ये खिड़कियाँ खुली है इन केस लाइट वाइट चली जाए तो यहीं पसरते हैं सारे छः के छः घर वाले। और ये एक और बेड, यहाँ पे चार तकिए लगा के सोता हूँ मैं कभी कभार, है ना। और उसके बाजू में है दो लव बेड बेड्स, लव 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 आजकल लव तकिए, यस, जब मैं लव मनाता तब वो लव तकिए यूज़ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जे मेरा चार्जर, जे मेरा चार्जर सफ़ेद ये और काली ये, मतलब सफ़ेद पावर ब्रिक और काली कॉर्ड, ठीक है, पता है मेरे को, मुंह मत चलाना। ये कृष्णा जी की फोटो, क्या हो क्या रहा है इसमें, देखा जाए पहले तो। ओके, ठीक है, चलता रहता है ये सब तो। ये थोड़ा सा नीला सा बैकग्राउंड टाइप का, नीला नीली वॉल, ब्लू, डार्क ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये एक और राधा कृष्णा की मूर्ति, बहुत ऑब्सेशन है घर वालों को राधा कृष्णा से, है ना। और या ये कैलेंडर नहीं है, ये नंबर 1 to 10, 4 से 6 ट्यूशन चलती है, आ जाओ पढ़ाने पढ़ने। राइट, मेरी मामी पढ़ाती है। ये है ए ट्री, ये पहले इतना सा था, फिर ये दो डंडियाँ आई, फिर दो डंडियाँ आई, फिर अभी ये बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा ये ट्री, ठीक है। मेरी मामी को बहुत शौक है, मामी करती रहती है सब, मामी ट्यूशन पढ़ाती है। राइट, ऑल राइट, ये वही दो ट्यूशन की चेयर है, बच्चे आते छोटे छोटे, ये एक एक्स्ट्रा चेयर, ये वही मैं बोल रहा था, ये ट्री बढ़ता रहता है। राइट, ये लंड लाइन, ये लंड लाइन है तो कॉल करना 4726092। क्या मैंने सच्ची सच्ची में अपना नंबर दे दिया? पता नहीं, आप ही लग पता लगा लो। एंड यस, ये सोफा, यहाँ पे 5 छोटे छोटे तकिए तो हैं लेकिन बैठता सिर्फ एक ही है, रोनी, रोनी पूरा एक बैठ जाता है, इतना मोटा सा है वो तकिया। अरे और एक चीज बताना भूल ही है, एक दिन इस वाले बिस्तर पे बैठा रोनी भट्ट, एक बिस्तर ही टूट गया, एक पाया निकल गया अरे बिस्तर का, कोई दिक्कत नहीं, वो स्टोरी है एक अलग ही। और ये राइट, ये सेंट्रो टेबल, तो ये सेंट्रो टेबल की एक स्टोरी बताता हूँ। पहले इसमें कांच लगा हुआ था लेकिन फिर रोनी बैठा और कांच टूट गया, फिर हमने लकड़ी लगवा दी, सस्ता काम सस्ते इलाज। और ये कुछ बुक्स हैं, नर्सरी वर्सरी, ये नहीं, कर्सिव राइटिंग एंड ऑल, या प्रीटी गुड स्टफ, प्रीटी गुड स्टफ। अब आते हैं अपने मेन सेटअप पे, दी अल्टीमेट लैपटॉप सेटअप राइट नाउ। ऑलराइट गाइस, और अभी दिखाता है अपन धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो ये चीज जुगाड़ लगाई है मैंने, इट बिकेम्स दिस, होल्ड ऑन, ट्राइपॉड टाइप का बनता है मेरा, एडजस्ट करके तो लगाओ, ठीक है, ये ऐसे एडजस्ट हो जाता है और फिर मेरा फेस दिखता है, उस हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसे। राइट,
प्रिटी गुड स्टफ। और अब मैं बैठता हूं मेन राज गद्दी पे। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो अपन इसको चालू करेगा। तो चालू जब तक हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं, ये वाला कंट्रोलर मेरा नॉर्मल वायर्ड कंट्रोलर, फोकस हो जा, यस। ये एंटर का 250 रुपये का ख़रीदा था मैंने, बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, इसकी वीडियो बनाई है, वो देख रहे हैं तो वो देख लो। ये PS4 कंट्रोलर मेरा फ्रेंड देखे गया था कुछ दिन पहले, कुछ दिन मतलब एक 10-15 दिन पहले, एंड आई एम लविंग दिस कंट्रोलर टू बी ऑनेस्ट। मस्त है, ब्लूटूथ से मैं अटैच करता हूँ लैपटॉप में और बेस्ट है, बेस्ट चलता है, बेस्ट चलता है। और ये मेरा मस्त सा, ये मेरा मस्त सा हेडफोन है, HP H100, सही है, 800 रुपये के हिसाब से तो बेहतरीन है। ये मेरा मॉक नीला स्नोबॉल, लेकिन है सफ़ेद, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट माइक फॉर अ यूट्यूबर 5000 रुपये में, इससे बेस्ट कोई नहीं है भाई, और इससे बेस्ट होगा भी नहीं अनलेस यू वॉन्ट टू स्पेंड लाइक 15-20,000 रुपीज, इट्स ऑल अप टू यू। ये मेरा कीबोर्ड, वाह, ये देखो, इचिक 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 इचिक, RGB नहीं है, लेकिन मैं ब्लू लाइट ही रखता हूँ क्योंकि ब्लू इज काइंड ऑफ लाइक अ सेटअप थीम, राइट। बस ये वाइट है और ये रेड है, थोड़े रेड एक्सेंट्स के साथ। ये मेरा माउस पैड रेड गियर, ये कीबोर्ड भी मेरा रेड गियर का है, रेड गियर ब्लेज 3 आई गेस, रेड गियर ब्लेज 1000 का है ये कीबोर्ड, बेहतरीन कीबोर्ड है। ये मेरा माउस पैड 500 रुपये का लिया था, रेड गियर का ही है। रेड गियर अगर आप देख रहे हो तो मुझे स्पॉन्सर कीजिए प्लीज़, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, चक दे फट्टे हो जाएगा। ये मेरा माउस लॉजिटेक G302, बहुत ही बेहतरीन माउस है, बहुत ही बेहतरीन सेंसर के साथ, बहुत ही बेहतरीन 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 बेहतरीन, 1500 का है, सही है, जो भी है, राइट। ये यहाँ पे मैंने चार्जर रखा हुआ है, ये मेरा लैपटॉप का चार्जर है उस साइड पे, और जल्द मैं ये सेटअप बदलने वाला हूँ और इससे भी बेहतरीन सेटअप होगा, लेकिन तब तक जो है वो है, राइट। तो ये काइंड ऑफ लाइक स्टैंड है, मैंने दिखाया था आपको। ओ हाँ, ये चू की आवाज़ आते से ही चेयर की याद आ गई मुझे, ये मेरी चेयर है, राइट। इसमें कैन यू डू दिस तो नहीं कर सकते, लेकिन इट गेट्स द जॉब डन, ठीक है, अच्छा है, पीछे बैक को सपोर्ट भी देता है। एक और ऐसी ही थी सेम, लेकिन वो बैक को सपोर्ट नहीं दे पाती थी, मैं पीछे पूरा टिल्ट हो जाता था, मेरी बैक बहुत दर्द करती थी। जब से मैंने ये लिया है तब से थोड़ा आराम है, यस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्टीमेट लैपटॉप सेटअप का एक अल्टीमेट सा पार्ट, द लैपटॉप डेल इंस्पिरॉन 7567। ये तो डेल इंस्पिरॉन 7567 है मेरा मेन रिग, इसमें है i7 7th gen का, यस i7 7th gen का ही है, HQ प्रोसेसर है, 7700 HQ आई बिलीव, सही है। और ग्राफिक कार्ड है इसमें GTX 1050 Ti M 4GB का ग्राफिक कार्ड, M ग्राफिक कार्ड क्योंकि लैपटॉप है भाई, सब M ही लगता है, M बोलते नहीं है लेकिन M ही है, डेस्कटॉप ग्रेड ग्राफिक कार्ड नहीं लगता इसमें। और ये कौन है रे चूतिया, ये कौन है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आपको मिलेगा माउस का गिव अवे अगर आपने सही गेस किया ये कौन है। तो बस इसी के साथ ये सेटअप होता है लगभग सब पूरा। और ये क्या आया है भैंचो, हटा। सो गाइस, इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा आज का सेटअप वेटअप, रूम वूम टूर वूर, आप लोगों की डिमांड अच्छी थी और मुझे ये वीडियो बनाने में भी बहुत मज़ा आया, लेकिन एक सीरियस बात है,
पिछले एक साल से वीडियो बना रहा हूँ एंड आई एम नॉट स्टॉपिंग, बट यू नीड टू गाइज, आप लोगों को सपोर्ट दिखाना शायद ज़रूरी है या फिर नहीं है, ये आप पे डिसाइड है। अगर आपको मेरा चैनल सच्ची में अच्छा लगता है तो मैं वहाँ पहुँच के रहूँगा जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, ऑन दी 1 मिलियन क्लब। दैट्स राइट, मेरा सेटअप इसके बाद जो अपग्रेड होगा, मैं नया पीसी लेने वाला हूँ, नया सेटअप, नई लोकेशन, नई चीज़ें, नया डीजी, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन गेमिंग वीडियोस। तो बस इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि साथ मेरे डीजी और अच्छे दिन जरूर आएंगे। ये लेंस फ्लेयर कुछ ज़्यादा ही है ना।